Abitak, we have tried to explore the easy side of WordPress. आपने घबराना नहीं है मतलब मैं आपको कोई अभी मुश्किल चीजें नहीं कराना चाह रहा बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ वट कैन एक्चुअली हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लोर द एक्सपर्ट साइड ऑफ वर्ड प्रेस ये एक्सपर्ट साइड क्या है किस तरह से आप वर्ड प्रेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं कौन सी ये फीचर है इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ड प्रेस जो कि कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हाउ वॉज इट बिल्ट वट आर सम ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज या वट आर सम ऑफ द डिफरेंट प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच पावर वर्ड प्रेस उसमें से एक है एच डी एम एल उसमें से एक है सी एस एस एक है पी एच पी और एक है माइस््यू एल सो ये जो चारों लैंग्वेज का एक अमेल्गमेशन है दैट इज वट मेक्स वर्ड प्रेस सो अमेजिंग It's two languages are front end, HTML, and CSS, and two languages are powering the back end of this content management system that we know as WordPress. HTML and CSS are the front end, and PHP and MySQL is the back end. So there is the front and there is the back. Some is because based on how this whole system works, you can do customizers. इन दिस होल सिस्टम आप इस पूरे सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं आप इस पूरे सिस्टम को एडिट कर सकते हैं यू कैन एड न्यू फीचर्स यू कैन चेंज द लुक एंड फील आपका जो पूरा अपेरेंस वाला सेक्शन है इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन भी किए इज पावर्ड बाय द फ्रंट एंड दोन एज एच टी एम एल एन सी एस एस एच टी एम एल एन सी एस एस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड प्रेस बट मोर देन द एच टी एम एल वी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट सी एस एस सो ये वो सी एस एस नहीं है एक तो सी एस एस का आपने लफ्ज सुना होगा कि यू नो सी एस एस का एग्जाम होता है वो ले लें तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे ये वो सी एस एस नहीं है उसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है जिसको कहते हैं केस्केडिंग स्टाइल शीट्स सो वट इज सी एस एस इन ऑनलाइन वर्ल्ड इट इज कैकेडिंग स्टाइल शीट्स ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक स्टाइल शीट दे सकते हैं इट्स इन द नेम जस्ट लुक एट द नेम के स्टाइल शीट तो ये एक स्टाइल शीट है जो आप अपनी वेबसाइट को बताते हैं जिससे वो कोई कस्टम इमेज या कस्टम अपीयरेंस शो करता है एवरी थीम दैट यू सी इन वर्डप्रेस यूजेस टू लैंग्वेजेस टू शो इट्स अपरेंस एक है एच डी एम एल और एक है सी एस एस और हर थीम अपनी एक स्केडिंग स्टाइल शीट या सी एस एस जनरेट करती है ऑब्जेक्टिव इधर क्या है कि हमने कस्टम सी एस एस एड करना है वी आर गोइंग टू एड अ कस्टम सी एस एस वो कस्टम सी एस एस क्या है और वो कस्टम सी एस एस क्यों जरूरी है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे लेकिन साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्यों कस्टम सी एस करना जरूरी है भाई हो सकता है आप कोई एक टाइटल चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो सकता है आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो सकता है आप कोई एक टेक्स्ट ब्लॉक में किसी चीज़ का बॉर्डर चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी भी तरह की एक कोई नई विजुअल फीचर चेंज करना चाहते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में आप नहीं कर सकते द गुड न्यूज़ इज दट समी एडवांस थीम्स हैव बिल्टन कस्टम सी एस एस एडिटर्स तो आप थीम में ही जाके कुछ एडिट्स कर सकते हैं इन एडिट्स से यू कैन एक्चुअली चेंज द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट दैन द गुड न्यूज इज दैट यू कैन यूज अपलग इन अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि वर्ड प्रेस में कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए आप प्लग इन यूज़ कर सकते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्ड प्रेस दैट्स वाई वर्ड प्रेस इज़ सो पावरफुल दैट्स वाई वर्ड प्रेस इज सो कस्टमाइजेबल दैट्स वाई वर्ड प्रेस इज़ सो फ्लैक्सीबल सो आप कस्टम प्लग इन एक इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम सी एस एस के नाम से एंड यू कैन गो इन टू यूर एडिटर वहाँ पर आप कस्टम सी एस एस लिख के यू कैन एक्चुअली एडिट एडिटेड बट ख्याल रहे कि सी एस एस इज़ अ होल लैंग्वेज सो पहले तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि अगर आपको सी नहीं आता तो आप सी को जाके पढ़ें और सीखें इट विल टेक यू एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स टू लर्न सी और अगर आपको सी आता है तो आप डायरेक्टली जाके खुद ही अपनी एडिट्स कर सकते हैं बट अगर आप सी नहीं सीखना चाहते अगर आपको सी मुश्किल लगता है यू कैन ऑलवेज आस्क अ फ्रेंड टू डू सम कस्टमाइजेशन इन योर वर्क वेबसाइट यूजिंग सी तो जाएंगे अब थोड़ा सा लाइव जाएंगे और देखेंगे कि सी एस एस क्या है सी एस एस कैसे दिखता है कैसे आप कस्टम सी एस एस कर सकते हैं एंड यू हाउ यू कैन ऐड कस्टमाइजेशन टू योर वेबसाइट यूजिंग सी एस एस स्टाइल शीट इट्स अ लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन ऐड स्टाइलिंग टू अ पर्टिकुलर पेज और आप डब्ल्यू थ्री स्कूल्स डॉट कॉम पर जाके डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं कि वट इज़ सी एस एस हाउ सी एस एस वर्कस और सी एस एस कैसे आपकी वेबसाइट पे एक कस्टम स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं मेरा मकसद इस कोर्स में आपको सी एस एस सिखाना नहीं है मेरा मकसद इस कोर्स में आपको सी एस एस के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देना है और बाद में आप अगर ख़ुद सीखना चाहें इसको तो सीख सकते हैं थोड़ी सी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ कि अगर सी एस एस में आपने बॉर्डर एड करना हो बॉडर पर बैकग्राउंड देना हो तो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक आप देख रहे हैं बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आपने ये सिर्फ तब यूज़ करना है अगर इफ़ यू रियली वांट टू तो यूज़ इट साथ ही साथ अगर आपने सी में कोई बैकग्राउंड देने हो तो वो आप दे सकते हैं कलर्स देने हो सी में कलर्स आप दे सकते हैं पैडिंग देनी हो वो दे सकते हैं इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसी तरह बॉक्स मॉडल है फॉन्ट्स हैं आइकनस हैं सी एस एस इज़ वेरी डिटेल सो आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करना है और देखना है हाउ सी एस एस एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस इन योर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट में आपको सी एस एस सिखाऊंगा तो नहीं सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूं बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आवर जॉब इज टू एड कस्टम सी एस एस टू वर्ल्ड प्रेस और यह मैंने एक गूगल क्वेरी लिखी है और ये वर्ल्ड प्रेस डॉट कॉम के लिए भी है और आपके उस वर्ड के लिए भी है जो आपने अपनी वेबसाइट पर ख़ुद इंस्टॉल किया हुआ है जो कि मोस्टली आप लोगों ने किया होगा तो एक प्लग इन हमें मिला है जिसका नाम है डब्ल्यू पी एड कस्टम सी एस एस डब्ल्यू पी एड कस्टम सी एस एस वॉज अपडेटेड टेन मंथ्स अगो इट हैज़ अ हंड्रेड थाउजेंड की इंस्टॉलेशन सो इट लुक्स लाइक द राइट प्लग इन विच आई शुड बी इंस्टॉलिंग ऑन माई वेबसाइट बट सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरी जो करंट थीम है क्या वो मुझे कस्टम सी एस एस एडिट करने पर अराव करती है कि नहीं करती अगर करती है तो लेट्स सी अपियरेंस में हम जाएंगे और वहाँ से वील गो टू कस्टमाइज़ गो टू अपियरेंस वील गो टू द कस्टमाइज सेक्शन और वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि क्या कस्टम सी एस एस की एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है और मैंने जब अपनी साइट का कस्टम वाला पार्ट खोला है कस्टमाइज़ वाला तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी साइट में डी वी इंस्टॉल हुई हुई है और डी वी में एक एडिशनल सी एस एस का पार्ट है तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल सी एस एस एड कर सकता हूँ और वट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली गो बैक एंड आई कैन एड अ कस्टम प्लग इन फॉर कस्टम सी एस एस तो मैं जाऊँगा वापस एंड आई लुक फॉर प्लग इंस I'll search for custom CSS. So मुझे different plugins मिल रहे WP Add Custom CSS, Simple Custom CSS, Simple Custom CSS and JS. I'll try to install WP Add Custom CSS, जो के मुझे एक option देगा of installing a custom CSS. Queries लिखना आपको खुद आना चाहिए, आपको खुद पता आना चाहिए कि queries कैसे लिखते हैं. My suggestion to you is to go and learn WordPress and see. के वर्ड के अंदर सी आप कैसे कस्टम ऐड कर सकते हैं ये मैं एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद लेफ़्ट पे यू विल सी के मेरे पास एक ऐड कस्टम सी की ऑप्शन आ गई है जब ऐड कस्टम सी में मैं जाऊँगा तो आई कैन ऐड कस्टम सी एस एस फ्रॉम दिस सेक्शन तो इस पूरे सेक्शन में आई कैन एड थिंग्स लाइक बैकग्राउंड और यहाँ पर मैं उसका यू आर एल दे सकता हूँ दीज आर नॉट एग्जैक्टली दोज रियल क्वेरीज तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा आपने फोन साइज चेंज करना है क्या चेंज करना है कौन से सी एस एस रूल्स हैं कहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ये सारा डिपेंड करेगा अबाउट फ्रॉम द कस्टम सी एस एस दैट यू आर लर्निंग ऑन डब्ल्यू थ्री स्कूल्स डॉट कॉम वहाँ पर जा अपनी क्वेरीज़ को देखें देखेंगे वो क्वेरीज कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपकी साइट पर और कैसे वो आपकी साइट को यहाँ पर इफेक्ट करेंगी एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू एड ऐसी क्वेरीज जो कि आपकी साइड को बेहतर कर सकें आपकी साइड में नई विजुअल फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें तो आपको और हमारा साथ uh, इस तक रहेगा कि वी विल ट्राई टू टीच यू एज़ मच एज़ पॉसिबल वी विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज़ पॉसिबल बट सीखना आपने आपने करना है आपने एक्सप्लोर करना है एंड uh, करते रहें सीखते रहें प्लीज़ सी एस एस जाके जरूर सीखें एंड ट्राई टू लर्न अबाउट सम ऑफ द अदर लैंग्वेज दैट पावर वर्ड प्लेस एंड गुड लक